हेलो एवरीवन, मैं विजय सोनी एक प्राइवेट स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हूँ, जिला भिवानी हरियाणा से हूँ। गीत गाता चल जाने कहाँ गए वो दिन, पंजाबी गायक गाता रहे मेरा मन, कि सभी कलाकारों को मेरा सहृदय प्रणाम। इन ग्रुप्स में मैंने जो महसूस किया वे सभी भाव मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये सभी ग्रुप वाइब्रेंट बहुत है। आपने देखा होगा, आपके बाकी ग्रुप भी होंगे, एक दो दिन तो बड़ा तहलका रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप निरस्ता की तरफ चला जाता है और हम भी सुस्त हो जाते हैं। दिल में आया तो पोस्ट डाल दी और नहीं आया तो नहीं डाली, या फिर हम फालतू के मैसेज, गुड मॉर्निंग ये वगैरह, और असली जो हमारा उद्देश्य है सिंगिंग से भूल जाते हैं। लेकिन ये ग्रुप अपने ऐसे नहीं। आपने देखा होगा सुबह 8 बजे बल्कि इससे भी पहले और रात के 10 बजे तक वही जोश वही उमंग सभी कलाकारों में रहती है। सभी के कमेंट, मैं तो कहूँगा कम्प्लीमेंट सर के द्वारा मिलते हैं। आप सभी के भेजे हुए गीत विजेंद्र जी, विरधि जी और बाकी संगीत अनुभवी द्वारा जांच किए जाते हैं और आपको कमेंट मिलते हैं। आप बड़े उत्साहित होते हो, आपको लगता है अरे मेरा गाना भी सर ने सुना, वाकई मैं भी कुछ गा रहा हूँ, मुझे और सुधार करना चाहिए और मैं रोज़ गाऊँगा, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सभी गानों को जांचना, उनके कमेंट देना, ये कोई आसान काम नहीं है। कितने मेंबर्स होते हैं, सबका रिस्पेक्ट करना बहुत ही बड़ी बात है, और वो भी रोज़, एक दो दिन नहीं। तो मैं तहे दिल से जो है विजेंद्र जी, विरधि जी और बाकी संगीत अनुभवी का आभारी हूँ इस बात के लिए। दूसरी बात यह है कि कमेंट पक्का मिलता है। आपके भेजे हुए गीत, ये नहीं है कि अरे ये तो अच्छा नहीं गा रहा, इसका क्या कमेंट देना, क्या कम्प्लीमेंट देना, ऐसा नहीं है। आपने चाहे जैसा भी गाया, बाकी ग्रुप में आपने देखा होगा चाहे आप अच्छा गाओ चाहे ना गाओ, कम्प्लीमेंट नहीं मिलता, या फिर उन्हीं से मिलेगा जो आपको जानते हैं, आपके दोस्त हों, उन्हीं से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे को नहीं जानते और हम सभी को सम्मान मिलता है सर जी द्वारा। सर सभी के गाने सुनते हैं, सबको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम उत्साहित होते हैं, हमें निराशा हाथ नहीं लगती, और हमारी कमियों को भी इतने प्यार से बताया जाता है कि हमें प्रसन्नता भी होती है और सुधार करने की ललक भी उठती है। तीसरी बात, अनुशासन। हम सभी जानते हैं अनुशासन के बगैर कुछ नहीं, ये सारी प्रकृति अनुशासन के ऊपर ही चल रही है और अनुशासन के बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता। टाइमिंग को लेकर हो, नंबर ऑफ सॉन्ग्स, हमें कितने गाने हैं दिन में या किस सिंगर का गाना गाना है, ये सभी फिक्स कर दिया जाता है प्रबंधक जी के द्वारा, हमें उनका अनुसरण करना होता है, हम करते भी हैं, और ये एक प्रकार का सम्मान है हमारे ग्रुप के प्रति, हमारे प्रबंधक जी के प्रति। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अनुशासन के जब होता है तो हमें चिंतन होती है कि अरे गाना गाना है, नहीं तो ग्रुप से निकाल दिए जाओगे, मतलब एक प्रकार का एक वो होता है चिंतन, एक लगन हो जाती है कि हाँ। और जिस ग्रुप में पूछा ही ना जाए, आपने गा दिया तो ठीक, नहीं गाया तो ठीक, तो आपके अंदर का मन भी जो है उदास रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ललक होती है, हाँ भाई गाना गाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन सभी बातों के लिए मैं विजेंद्र जी, विरधि जी, सभी संगीत अनुभवी का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, जो बड़ी लगन से सभी के गाने सुनते हैं, कमेंट देते हैं, और साथ के साथ मैं आप सभी कलाकारों का भी शुक्रगुजार हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही तो हैं जो अपने मधुर स्वरों से
गाने रूपी गुलदस्ते को इस प्रकार सजाते हो और इस ग्रुप रूपी बगिया को, बागवान को महकाते हो, महका रहे हैं और महकाओगे। तो मैं अपने सभी भरावां नूं कहना चाहवांगा ते अपने हरियाणवी भाइयां नूं भी कहूँगा एंड माय ब्रदर्स ऑफ ऑल अदर स्टेट्स आई वुड लाइक टू एक्सट माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दीज ग्रुप्स एंड आई थैंक यू ऑल फॉर योर डेली कंट्रीब्यूशन इन टू दिस group by your songs. May these groups live long and enthusiastic. Thank you. Namaskar. Abhar. Adab.